हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि यार, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो है आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड लाइक टू से एवरीबडी की एग्जामिनेशन के टाइम नजदीक आ रहे हैं। जो लोग जून 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि वी हैव द नोट्स रेडी, वी हैव द चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स रेडी। अगर आपको ये दोनों के पीडीएफ्स चाहिए तो वो आपको 300 रुपीज पर पेपर के अकॉर्डिंग पड़ेगा। 200 रुपीज, 250 रुपीज में आपको जो है सिर्फ नोट्स मिलेंगे, और सिर्फ 50 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ भी आप साथ में पा सकते हैं, अलॉन्ग विद द एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स। तो दैट इज आर ऑफर फॉर नाउ, क्योंकि ये ऑफर बाद में जो है हटा दिया जाएगा। ये ऑफर जो है 1st of March से हम लोगों ने प्लानिंग करा है कि इसको स्टार्ट करेंगे, बट इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय इट राइट नाउ, दे कैन। ठीक है, बट 1st of March ये फुल फ्लेजेड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको हमारी वेबसाइट पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे, वो चार्जेबल हो जाएंगे। ठीक है। सो या सो टुडेज टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अबाउट द एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग विद फ्यू एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो कुछ एक कम एप्लीकेशन, जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज है जिसके बेसिस पे जो है हम लोग मैनेजमेंट करते हैं या बिजनेस को चलाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उन थ्योरीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसका एप्लीकेशन जो है किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या उसके बातें उसके बारे में कही गई हैं, वेदर इट इज इन फॉर और अगेंस्ट, है ना। वो सारी चीजें हम लोग इसमें यहाँ पे करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से वन थिंग मोर, दैट इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन आर ग्रुप, दे कैन। ग्रुप को ज्वाइन करने के भी ढेर सारे फायदे हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आपको ऑन डिमांड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। हालांकि वो पीडीएफ नहीं रहेगा, वो सिर्फ लिंक रहेगा जहाँ पे आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट, अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट गाइडेंस वन ऑन वन डिस्कशन एज वेल। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, वी कैन डिस्कस दोस टॉपिक्स, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग आवर ग्रुप। ग्रुप का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप वहां पे क्लिक करके आप चीजों को समझ करके जैसा आपको बेनिफिट समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सेवरल इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग हैव बीन डेवलप्ड, ईच ऑफरिंग इनसाइट इनटू हाउ इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि काफी समय से चलती आ रही हैं, और उसी के बेसिस पे जो है ना एक डिफरेंट एक लर्निंग जो है उसको डेवलप किया गया है कि किस तरीके से आप नॉलेज एंड स्किल्स को एक्वायर करके अपने बिजनेस को ठीक तरीके से चला सकते हो। और जो चीजें पहले चलती आ रही थी वही चीजें अभी जो है एज अ थ्योरी जो है एग्जिस्ट करती हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। हेयर आर थ्री इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। यहाँ पे देखो तीन थ्योरीज की बात की गई है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स ऑफ देयर एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इन तीनों थ्योरीज का यूज होता है, किस तरीके से ये तीनों थ्योरीज जो है चलती हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी। ओके, की कॉन्सेप्ट क्या है बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। सच एज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुली इन द एनवायरमेंट, है ना। तो जो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी है, ये नाम से पता चल रहा है कि ये बिहेवियर को क्या करना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है। आप बिना बिहेवियर को ऑब्जर्व किए हुए आप एक थ्योरी उसके बेसिस पे नहीं बना सकते, है ना। बिहेवियरल थ्योरी अगर है तो वो डेफिनेटली एक क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जहां पे आप दूसरों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके, है ना, आप चीजों को चेक करते हो या चलाते हो। तो डेफिनेटली वो चीजें जो भी वो बंदा, सामने वाला बंदा कर रहा है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो डेफिनेटली आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट वो में वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, राइट। सो वो चीजों के अंडर में वो किस कैसा उसका बिहेवियर है उसको फोकस कर रहे हो आप, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो आप, और उसके बेसिस पे जो है आप अपनी एक थ्योरी बना रहे हो। इंडिविजुअल लर्न थ्रू द एसोसिएशन ऑफ स्टिमुली विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज और कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो डेफिनेटली इन्हीं सब चीजों से सीखते हैं कि किस तरीके से जो है उनको स्टिमुलीज के साथ जो भी मतलब डेरिवेटिव्स हैं जिसके जरिए जो है आप अपने कामों को कैसे किस तरीके से कर पा रहे हो, ये सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कैसा आपका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है या किस तरह का कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल रहा है जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, ये सारी चीजें उन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करती हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद, करने के बाद एक इंडिविजुअल इन चीजों को ठीक तरीके से समझ पाता है, राइट। तो ये इसका की कंसेप्ट था। एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की यहाँ पे बात की गई है ना, लोगों को ट्रेन करना। सो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज आर ऑफन अप्लाइड इन डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हो, जब आप उसको रेडी करते हो, तो वहां पे आप बिहेवियरल लर्निंग का यूज किया जाता है। माफी चाहूंगा थोड़ा सा पॉज देने के लिए।
या सो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी सच एज क्लास, अच्छा ये तो हो गया यार, क्या कर रहा हूँ मैं दोबारा एक ही चीज को रिपीट किए जा रहा हूँ. सो यस, सो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज आर ऑफन अप्लाइड इन डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉई कैन बी ट्रेन थ्रू पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर्स, राइट? तो किस तरह का बिहेवियर आपको चाहिए उसका री इन्फोर्समेंट करके, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट करके आप अपने इंप्लॉइज को ट्रेन कर सकते हैं, और थ्रू पनिशमेंट फॉर अनडिजायरेबल बिहेवियर. और अगर आप अपने एम्प्लॉई को पनिश करते हैं क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो गलत है, तो उस तरीके से भी आप उनको ट्रेन कर सकते हैं. अब देखो, जब कोई बंदे को आप कोई काम दे रहे हो तो डेफिनेटली वो या तो वो उस काम को अच्छे से करेगा या तो बुरे तरीके से करेगा. अगर बुरे तरीके से करेगा उसको डांट दो, इतनी बुरी तरह से डांटो ताकि वो दोबारा वो गलती करे ना, है ना? तो आप उसने उसको बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने डिसीजन लिया, आपने उसको डांटा, और फिर वो उसके बिहेवियर में चेंजेस जो है आपको देखने को मिलता है, वो काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है. माफी चाहूंगा. या नाउ, सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सो मैनेजर्स कैन यूज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टू रीइंफोर्स डिजायर्ड एम्प्लॉई बिहेवियर्स बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक और रिकॉग्निशन. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या हो गया कि आप अपने इंप्लॉइज के परफॉर्मेंस को आप मेजर कर रहे हो, जो बेहतर काम कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के रीइंफोर्समेंट के बाद, आप उनको ये क्या कर रहे हो, आप उनको रिवॉर्ड दे रहे हो, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, और जो लोग बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं उनको आप एक तरीके से उनका फीडबैक दे रहे हो कि भाई बंदा तुमसे ये प्रॉब्लम हो रही है, तुम इसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है? तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी और बिहेवियरल वाला एक्टिविटी, है ना? क्योंकि आप बिहेवियर को जब तक मैच नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे, तब तक आप कैसे परफॉर्मेंस को मैनेज करोगे, राइट? सो ये पहला टॉपिक है हमारा. दूसरा जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव लर्निंग. सो कॉग्निटिव का सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो कॉग्निटिव का मतलब होता है कि चीजों को करते करते सीखना, है ना? सो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज एम्फेसिस मेंटल प्रोसेस. यहाँ पे मेंटल प्रोसेस की बात की गई है ना, इंक्लूडिंग परसेप्शन. आपका परसेप्शन कैसा है, देखो बोला गया है, परसेप्शन आपका कैसा है किसी चीज को लेकर के, आपकी मेमोरी कैसी है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो तरीका है वो कैसा है, इन सब चीजों के ऊपर जो है कॉग्निटिव लर्निंग आपका जो है वो तैयार होता है. हर बंदे का ये अलग अलग होता है, सब एक लेवल के तरह के नहीं सोच सकते, है ना? सो लर्निंग इज अ सीन इन एन इंटरनल मेंटल एक्टिविटी. तो ये लर्निंग जो है एक इंटरनल मेंटल एक्टिविटी होती है, जहां पे आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही होती हैं, लेकिन उनके एक्शन से, उनके एक्टिविटीज से आपको वो चीजें जो है चल जाती है, राइट? तो लर्निंग इज सीन एज एन इंटरनल मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है? Now, अगर अगर आप इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है स्किल डेवलपमेंट में देखो हो रहा है ना. कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज अप्लाइड इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वेयर एम्प्लॉइज लर्न टू एनालाइज. जहाँ पे एम्प्लॉइज क्या सीखते हैं, वो सीखते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और जो क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी, है ना, उसको आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यू नो दैट कॉग्निटिव लर्निंग वाला थ्योरी, ठीक है ना? दूसरा है ई लर्निंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट. सो कॉग्निटिव लर्निंग में जो है आपका ई लर्निंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आप बोल सकते हैं, वो बहुत आसानी से हो जाता है, और जो नॉलेज में जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपका नॉलेज है उसको आप ठीक तरीके से अपना मैनेज कर पाते हो, बिकॉज वो कंप्लीटली आपके मेंटल यू नो से रिलेटेड है, मेंटल चीजों से रिलेटेड है, आपके दिमाग से वो रिलेटेड है. सो कॉग्निटिव थ्योरीज अंडरपिन द डिजाइन ऑफ ई लर्निंग मॉड्यूल्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंश्योरिंग कंटेंट इज स्ट्रक्चर्ड टू एनहांस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, है ना? तो आपने जो भी चीजें तैयार की हैं वो डेफिनेटली लोगों को अंडरस्टैंड, समझ, मतलब उनको समझ में आ जाए और वो रुके रहे आपके प्रोडक्ट के पास, इसलिए आपने उसको डिजाइन की है. हालांकि यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं की जा रही है, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात की जा रही है. तो वो चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपका जो लर्निंग है अपने इम्प्लॉइज का, वो लर्निंग जो है कॉग्निटिव लेवल पे हो पाएगा, मेंटल लेवल पे हो पाएगा, ठीक है? तीसरा पॉइंट है सोशल लर्निंग थ्योरी. तो इसका की कंसेप्ट में क्या बोला गया है, सोशल लर्निंग थ्योरी डेवलप्ड बाय एल्बर्ट बांदूरा. अरे यार, एल्बर्ट बांदूरा एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर. देखो यहाँ पे पहले वाले पॉइंट से ये बहुत हद तक रिलेटेड है ना? तो आप यहाँ पे ऑब्जर्विंग ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, माफी चाहूंगा. सो सोशल लर्निंग थ्योरी डेवलप्ड बाय एल्बर्ट बांदूरा एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर्स एटीट्यूड्स एंड इमोशनल रिएक्शंस ऑफ अदर्स, है ना? कि बाकी के लोग जो है किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बाकी के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका इमोशनल रिएक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे जो है आप एक थ्योरी रेडी करते हो जिसका नाम आप देते हो सोशल लर्निंग थ्योरी. क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ना एक ही तरह की होती हैं. देखो
कोई भी चीज अगर किसी के साथ हो रही है तो जो रिएक्शन उस बंदे का होता है, जरूरी नहीं है कि सेम रिएक्शन दूसरे बंदे का भी हो, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो जनरल जो आइडिया है, अगर कोई एक चीज पे 100 में से 80 बंदे सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो सोशली वो चीजें एक्सेप्टेबल है, वो चीजें होती हैं, राइट? तो उस बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोगों के बिहेवियर, लोगों के एटीट्यूड, लोगों के इमोशनल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आप इस थ्योरीज को मतलब एक तरीके से बनाते हो या इसी के ऊपर जो है चीजें काम करती हैं। लर्निंग ऑकर्स थ्रू द इमिटेशन ऑफ रोल मॉडल्स, ये जो देखो यहाँ पर लर्निंग की बात की जा रही है, थ्रू द इमिटेशन ऑफ रोल मॉडल्स एंड द री इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर्स, है ना? वही वही बातें हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हो, ऑब्जर्व करके देख रहे हो, उसी को आप री इन्फोर्स कर रहे हो, उसी को आप काम में ला रहे हो, और इसी के जरिए जो है लर्निंग आपकी हो रही है। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखा जाता है मेंटरशिप प्रोग्राम्स। तो मेंटर भाई कौन बनता है आपका? जो ऑलरेडी उस काम को पहले कर चुका होता है ना? तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में वही होता है कि आपने चूंकि उस काम को पहले किया है तो आपको आइडिया है कि उस काम को कैसे किया जाता है या उसका इम्पैक्ट जो है आपकी सोसाइटी के ऊपर, आपके आसपास के लोगों के ऊपर कैसा पड़ेगा, राइट? इसलिए मेंटोर्स वहां पे लाए जाते हैं कि भाई मेंटोर्स जो है आपको गाइड करेंगे इस काम को पूरा करने में। सोशल लर्निंग थ्योरी सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, है ना? तो सोशल लर्निंग थ्योरी एक तरीके से सपोर्ट करती है इम्प्लीमेंटेशन को, किस चीज के इम्प्लीमेंटेशन को? मेंटरशिप प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन को। और ये किया जाता है बहुत ही बड़े लेवल पे, किया जाता है कॉर्पोरेट्स में, वेयर लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, जहां पे जो एक्सपीरियंस जिसके पास कम है, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स ऑफ मोर सीजन्ड कॉलीग्स, है ना? तो ऐसे लोगों से वो सीखते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है या जिन्होंने ज्यादा सीजन्स बिताए हैं आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिताए हैं, एज इन आपके एज ए कलीग हैं, लेकिन आपके उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप 1 साल रहे हैं तो उनके पास 2, 3, 4, 5 सालों का एक्सपीरियंस है, सीजन्स का एक्सपीरियंस है ना? सीजन्स मतलब यहाँ पे आप सालों के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। टीम बेस्ड लर्निंग, तो टीम बेस्ड लर्निंग में भी सोशल लर्निंग का इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली जब एक टीम काम कर रही है तो वो बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर के काम कर रही है, तो वहां पे वो सोशल ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, है ना? सो टीम बेस्ड प्रोजेक्ट एंड कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो टीम बेस्ड प्रोजेक्ट जो होता है या फिर कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट जो होता है, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सोशल लर्निंग को लेकर के, अलाउिंग देम टीम मेंबर्स टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे लोग जो है एक दूसरे से सीखते हैं, दूसरे एक दूसरे को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसी से फिर उन चीजों को सीखते हैं। सो दीज थ्री वेर द प्रोमिनेंट थ्योरीज जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं। दीज लर्निंग थ्योरीज कैन बी इंटीग्रेटेड इन टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस टू एनहांस एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, है ना? तो इन तीनों थ्योरीज का इस्तेमाल एग्जैक्टली किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ कैन बी इंटीग्रेटेड, दिस इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, राइट? सो दीज लर्निंग थ्योरीज कैन बी इंटीग्रेटेड इन टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस टू एनहांस एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए, उसके ट्रेनिंग के लिए, उसके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए इन सब थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि छोटे कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं, या करती भी हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज का डेफिनेशन बना हुआ है भाई साहब। उनको जब पता चलेगा तो वो लोग बोलेंगे, अच्छा जो हम लोग कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बिजनेस में की बुक्स में लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है भाई साहब, आपके आपके आने से पहले ऐसे लोग ये चीजें करते आ रहे हैं, है ना? तो इन तीनों थ्योरीज का इस्तेमाल जो है किया जाता है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्योरीज इज ऑफन यूज्ड टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लर्निंग। बोला गया ना, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी के टाइम में जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग इस तरह के सिचुएशन में इस तरह की थ्योरीज या इस तरह की थ्योरीज के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल जो है अभी के टाइम में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी के टाइम में जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना? और उसी के बेसिस पे जो है चीजों को अलग तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा है, थ्योरीज को, एक थ्योरी को या फिर 2-3 थ्योरी को साथ में मिला करके उसका यूज किया जा रहा है। एडिशनली द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज फैसिलिटेटेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, है ना? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जा रही है, वैसे वैसे हर एक चीज को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। हर चीजें आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, जैसे अभी हमारी क्लासेस हो रही हैं, ये भी हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ही कर रहे हैं, जूम पे ही कर रहे हैं, राइट? सो ये चीजें जो है देखने को मिल रही है। साइमल्टेनियसली द अदर इनोवेटिव मेथड्स दैट अलाइन विद दीज लर्निंग थ्योरीज टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, है ना? देखो यहाँ पे अल्टीमेट जो आपका टारगेट है, जो गोल है, वो यही है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो नीड्स है, जो गोल्स है, उसको अचीव करना, राइट? अब वो आप कैसे कर सकते हो? बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बाय अप्लाइंग दीज ऑल दीज थ्री थ्योरीज
जहाँ पे हम यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग की भी बात कर रहे हैं, ई लर्निंग की भी बात कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें मिलकर के जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं, है ना। और इन तीनों थ्योरीज के बेसिस पे ही जो है सारी की सारी बिजनेसेस चल रही हैं। हालांकि लोगों को पता हो या ना पता हो, बट ये तीनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतर तरीके से ये काम कर रही है। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच, दिस इज द टॉपिक, एंड अगले क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।